26 जन्मों की कौन कहे, 84 लाख योनियों की भी ना, तो बोले करोड़ जन्मों की अग माने होता है पाप। जन्म कोटि अग नासाओ तबई, माने सन्मुख होकर के क्या करे, ये नहीं कहा कि मेरे सन्मुख आकर के मेरी पूजा करे, कि मेरी स्तुति करे, कि मेरी वंदना करे, नहीं। क्या कहा, केवल मेरे सन्मुख हो जाए। अब प्रश्न उठता है कि अभी हम लोग क्या सन्मुख नहीं है, अभी हमारा मुख जो है वो संसार की ओर है, हम लोग संसार की ओर बढ़ रहे हैं, हमारे जितने प्रयत्न और प्रयास है वो संसार को पाने के हैं, धन मिल जाए, पद मिल जाए, सुख मिल जाए, सुविधा मिल जाए, तो हम जितना जो कुछ कर रहे हैं वो किसके प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, संसार की प्राप्ति के लिए। इसका मतलब है हमारा मुख अभी संसार की ओर है, हमारा वह मुख मुड़ करके और भगवान की ओर हो जाए, और फिर तो मन में एक ही लालसा रह जाए, देखे बिन रघुनाथ के जिए की जरन न जाए, ठाकुर जी को देखना है, उनको प्राप्त करना है। अच्छा, कभी आप एक बार विचार करिए कि जो हमारी परछाई है, हम उसको पकड़ने के लिए कितना भी जोर से भागे, परछाई को कोई पकड़ सकता है? आप विपरीत दिशा में भागने लगे, सूर्य की दिशा में भागने लगे, तो परछाई पीछा भी नहीं छोड़ेगी, पीछे पीछे चल रही है, जितना हम चल रहे हैं परछाई भी चल रही है। तो जब हम परछाई के पीछे भाग रहे थे, पकड़ में नहीं आ रही थी, अब हम लौट कर भागने लगे, चलने लगे, तो हमारे पीछे लग गई। वैसे ये संसार की माया है, माया को परछाई कहा है। जितना पकड़ने भागेंगे और दूर भागेगी, और जितना इसको छोड़कर भगवान की ओर बढ़ेंगे, ये संसार अपने आप पीछे हो लेगा साहब, सारी दुनिया आपके पीछे पीछे चलने लग जाएगी। हम लोग देखते हैं वीतरागी महापुरुषों के पीछे अपने आप दुनिया लग जाती है कि नहीं? वृंदावन के महान संत इस समय जो आज विराजमान है, श्री राधा केली कुंजी वाले पूज्य महाराज श्री जी, परम वीतरागी, परम अकिंचन, दुनिया दीवानी होकर पीछे लग रही है। हमारे बागेश्वर वाले महाराज श्री जी, दुनिया पीछे लगी है कि नहीं? तो जब कोई इस संसार को, माया को छोड़ के भगवान की ओर बढ़ता है, तो साहब जिस संसार को पकड़ने के लिए हम भाग रहे थे, पकड़ में नहीं आ रहा था, वही संसार हमारे पीछे लग जाएगा, और सब पीछे पीछे लग जाएंगे, बस हमें अपना मुख भगवान की ओर मोड़ना है।